एक सप्ताह पूर्व की तुलना में बीते सप्ताह एशियाई कारोबार में वियतनाम चावल की निर्यात कीमत में और तेजी आई है। कारोबारियों और विश्लेषकों का कहना है कि खरीद की लागत में वृद्धि होने तथा घरेलू मांग लगातार ऊंचे स्तर पर बनी होने के कारण चावल की निर्यात कीमत में लगातार पांचवें सप्ताह भी तेजी दर्ज की गई। उधर आपूर्ति सीमित बनी होने के कारण शीर्ष निर्यातक भारत के चावल की निर्यात कीमत भी बढ़ गई। बीते सप्ताह के दौरान वियतनाम के 5% टुकड़ा चावल की निर्यात कीमत तेज होकर $430 से $435 प्रति टन पर पहुंच गई। इसका नवीनतम स्तर करीब 3 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। एक सप्ताह पूर्व इसकी कीमत $425 से $430 थी। वहीं कारोबारियों का कहना है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय रणनीतिक स्टॉक को बढ़ाए जाने का कदम उठाए जाने से घरेलू और निर्यात कीमतों को लगातार समर्थन मिल रहा है, लेकिन आने वाली एक छोटी फसल की आपूर्ति के कारण भी कीमतों में और तेजी आने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। देश में चावल का कटोरा कहे जाने वाले मेकांग डेल्टा के किसानों ने बासंती शारदीय धान फसल की कटाई शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस फसल की कटाई चालू महीने के अंत या आने वाले महीने के आरंभ में अपने शीर्ष स्तर पर पहुंच जाएगी। भारत के 5% टुकड़ा पार बॉइल्ड चावल की निर्यात कीमत बढ़कर $360 से $363 प्रति टन पर पहुंच गई। पिछले सप्ताह यह कीमत $358 से $363 पर बोली जा रही थी। जानकारों का कहना है कि फिलहाल हम सीजन अंत के दौर से गुजर रहे हैं और आपूर्ति सीमित बनी हुई है। वही नई फसल आगामी नवंबर महीने से ही उपलब्ध होगी। पड़ोसी बांग्लादेश के कारोबारी लगातार अधिकतर चावल की भारत से ही खरीद कर रहे हैं और भू बंदरगाहों से इसका आयात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार को उम्मीद है कि लगातार बढ़ती जा रही घरेलू कीमतों में आने वाले दिनों में कमी आ सकती है। उधर थाईलैंड के 5% टुकड़ा चावल की निर्यात कीमत तेज होकर $385 से $420 प्रति टन हो गई है। एक सप्ताह पूर्व इसकी कीमत $385 से $386 थी। इसका प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि बाहट में थोड़ी मजबूती आई है। एक मजबूत बाहट का अर्थ यह है कि अमेरिकी डॉलर की दृष्टि से निर्यात कीमत ऊंची हो जाती है। हालांकि मांग की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चालू वर्ष के जनवरी महीने से लेकर सितंबर तक की अवधि में थाईलैंड से करीब 37 लाख टन चावल का निर्यात हुआ है और चालू वर्ष के अंत तक उसे चावल का निर्यात बढ़ाकर 60 लाख टन हो जाने की उम्मीद है, क्योंकि खरीदारों के लौटने से उसे मांग बढ़ने की आशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।